की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही, जहां खुर्जा की बेटी ने किया जिले का नाम रोशन। बॉक्सिंग चैंपियन में जीती टाइटल बेल्ट, जीत का सारा श्रेय अपने गुरु सुशील शर्मा को दिया। इसी संदर्भ में वंदे भारत न्यूज की जिला संवाददाता पूनम राजपूत ने की सलामी सोलंकी से खास बातचीत। और मैं वंदे भारत न्यूज चैनल से पूनम राजपूत, आज हम खुर्जा नगर की एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने ना केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं शालिनी सोलंकी से। शालिनी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू। पहले तो वंदे भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये शालिनी, इस सम्मान के लिए आपने कब से मेहनत शुरू की थी? हो गया काफ़ी टाइम मैं मेहनत करती है इस बेल्ट के लिए। तो टाइटल बेल्ट जीतने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये बेल्ट जीती। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? अपने कोच सुशील शर्मा को और अपनी ट्रेनिंग को। कितने कंपटीशन जीतने के बाद आपको ये टाइटल बेल्ट मिली? काफ़ी कंपटीशन खेले थे, जब जाके मैं इसमें खेली थी और पहले राउंड में 42nd में मैंने नॉकआउट मारी थी। इस स्पोर्ट्स में आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुनी? क्योंकि बहुत सारे खेल हैं स्पोर्ट्स में, तो बॉक्सिंग ही क्यों? क्योंकि मुझ में टैलेंट था उस लाइक। आगे क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं अभी बहुत MMA खेलना चाहती हूँ और मैंने इंडिया के लिए टाइटल बैट जीती है। मैं अपने वर्ल्ड के लिए टाइटल बैट जीतना चाहती हूँ। मैं इंडिया के तरफ से खेलना चाहती हूँ और मेरे सपने काफ़ी बड़े हैं, उस सबको पूरा करना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ खुर्जा नगर की शालिनी सोलंकी, जिन्होंने खेल में शानदार प्रदर्शन के बाद टाइटल बेल्ट जीता है। ऐसे ही आगे भी जीतती रहें। बने रहिए मेरे साथ वंदे भारत न्यूज़ चैनल से। मैं पूनम।